हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है। तो आंसर है 206। सेकेंड है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में कितनी मसल्स पाई जाती है। आंसर 639, यानी 639। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो आंसर न्यूक्लियस, यानी जो केंद्रक होता है वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। फोर्थ है, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है। तो 12 पेयर, यानी टोटल 24 होती है। पाँचवा है, नंबर नॉर्मल वेट ऑफ किडनी, किडनी में किडनी का टोटल कितना वजन होता है। तो 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वेट ऑफ हर्ट, हर्ट का कितना वजन होता है। 250 से 350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ लूप्स इन राइट लंग्स, राइट लंग्स में कितने लूप्स पाए जाते हैं। तो राइट लंग्स में 3 लूप्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ लूप्स इन लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में 2 लूप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हर्ट, यानी वह कौन सी ब्लड वेसल है जो हर्ट से ब्लड को कैरी करती है। तो आंसर आएगा आर्टरी, एंड धमनियाँ होती है वो हर्ट से ब्लड को लेकर जाती है। नेक्स्ट है, ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड टू द हर्ट, यानी वह कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को शरीर से कैरी कर हर्ट में लेकर आती है, उसे वेन बोला जाता है। नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हर्ट इज, हर्ट की सबसे आउटर कवरिंग लेयर कौन सी होती है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इस, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम सुप्रा रीनल ग्लैंड है। 13वां क्वेश्चन है, विच बोन इज नॉन एज थाई बोन, थाई बोन को कौन सी बोन, थाई में कौन सी बोन होती है, तो उसे बोलते हैं फीमर बोन। 14वां क्वेश्चन है, CSF प्रेशर ड्यूरिंग लाइनिंग पोजिशन, लाइनिंग पोजिशन में CSF प्रेशर कितना होता है। तो अप्रोक्सीम कितना होता है, अप्रोक्सीम होता है ये 15 सेंटीमीटर H2O, 15 cm H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड, ब्लड की नॉर्मल pH होती है 7.35 से लेकर 7.45। नेक्स्ट, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स इज राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा होता है। तो आंसर नी जॉइंट। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5000 ml होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल pH ऑफ यूरिन, 6.8 होती है। लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 75 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इस कॉल्ड, यानी ब्लड के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उसे हेमोपोइसिस बोला जाता है। विच ऑर्गन इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोट को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। ड्यूरामेट, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट, मिडल लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज, हार्ट की मिडल लेयर को क्या कहा जाता है, तो मिडल लेयर को मायोकार्डियम बोला जाता है। लोकेशन ऑफ विजुअल एरिया फाउंड इन विच लूप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के विजुअल एरिया को, एरिया जो होता है वो कौन से लूप में आता है। तो आंसर देना है ऑक्सीपिटल लूप में आता है, ठीक है। विच विटामिन हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के है। नेक्स्ट है, चिक बोन, चिक बोन जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन के नाम से जाना जाता है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 5 मीटर्स होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ GIT इस, GIT ट्रैक का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर विच डिवाइडेड एंटेरियर सेगमेंट ऑफ द आई इंटू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर चैम्बर इस कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है आयरिस। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, तो इसे बोला जाता है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। स्ट्रक्चर विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है डायफ्राम, जो इन दोनों को अलग करता है। नेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है ड्यूडेनम। नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इस कॉल्ड, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है ग्लाइको
जीनोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट गिव द नेम ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी कान में पाए जाने वाली बोन्स के नाम में मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एयर एंड वायुमंडल में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। गिव द नेम ऑफ ऑल मेनिंजियस लेयर, टोटल 3 मेनिंजियस लेयर मेनिंजियस आर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले आउटर लेयर होती है जो ड्यूरामीटर के नाम से जानी जाती है, नेक्स्ट है मिडल लेयर होती है जिसे एरेक्नोइड, और लास्ट इनर लेयर जिसे पायामीटर बोला जाता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रांचियल फ्लेक्सस, तो आंसर है रेडियल नर्व। लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी तो वो है, ये रेडियस नर्व नहीं है यहाँ पे, सार्टोरियस। सार्टोरियस जो मसल्स होती है वो लॉन्गेस्ट मसल्स होती है बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट नॉन एस, हार्ट के अपर चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है, वही लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट को वेंट्रिकल बोला जाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 तो उसे कैल्शियम कहा जाता है, कैल्शियम होता है। फोर्थ नंबर पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नेम्ड मैन इंट्रासेलुलर केशन, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है। ठीक है, विच बोन इज नोन एज नी कैप, नी कैप के नाम से किसे जाना जाता है, तो पटेला को जाना जाता है। वॉट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, 500 ml होती है। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन, यूरिन में वाटर कितने परसेंटेज होता है, तो 96% होता है। हाउ मेनी वर्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं।